वीडियो तो गाइस जैसे कि हमारा लास्ट पार्ट था जी सीरीज को लेके तो मैं खुद ही बता रहा हूँ तो गाइस व्हाट्स अप वीडियो फिर से देन आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो गाइस जैसे कि हमारा लास्ट पार्ट था जी सीरीज को लेके भैया के साथ आ चुके हैं हम हार्ले सीरीज को लेके जैसे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हार्ले पे कैसे लग रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हार्ले पे तो मैं खुद ही बता रहा हूँ फिर भी हम हार्ले की बात करेंगे क्योंकि हार्ले हमारे पास अवेलेबल है और भी नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में तो आज हमारे पास कितनी हार्ले भैया आज हमारे पास एक दो तीन चार दिखाऊंगा तो प्रीमियम स्टॉक दिखाऊंगा सारी हार्लीज का जो नई नई अच्छी अच्छी जो मेरा पेड़ लगा हुआ है मैं तोड़ के ले आता हूँ बाइक आपको वही दिखाऊंगा सारी बाइक्स तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और ये जरूर पार्ट वन पे जो आपने मेरे को प्यार दिया बड़ा मजा आया देख के It was a very good response. Thank you so much, guys. ऐसे support करते रहो. अब part two आ गया है. तो नीचे comments जैसे part one पे किए थे, इस पे भी करना मत भूलिएगा. और part three की demand भी जरूर कर देना. Part three की हाँ, अगर चाहते हो तो part three भी और बड़ी सारी Ducati, Bugatti, Benelli चाहिए. बहुत कुछ बचा है हमारे पास. बहुत कुछ है. बनाने की कोशिश करेंगे. Exactly. तो चलिए, let's start this video. Let's go. About Harley Davidson. तो पहली Harley Davidson जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे पास अभी फिलहाल जो एक बेसिक एंट्री लेवल की है दैट इज योर स्ट्रीट रॉड 750. तो ये जो बाइक है दोस्तों दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेश बाइक अभी जो मेरे पास स्टॉक में है दिस इज लिटरली वेरी फ्रेश स्ट्रेट आउट ऑफ शोरूम. इसकी पहले खास बात आपको दिखाना चाहूँगा बताऊँगा नहीं दिखाऊँगा वो ये है 2316 किलोमीटर 2316 किलोमीटर्स ओनली. अरे भाई जस्टिफाई करती है अपने आप को मीटर टैम्परिंग नहीं करता हूँ. हार्ली चेक करा लो कहीं भी चेक करा लो कहीं पे भी कुछ भी कर लो आई हैव नो ऑब्जेक्शन व्हाटसएवर. चलते हैं इस बाइक के ऊपर. ये जो बाइक है दोस्तों दिस 2018 अक्टूबर नवंबर की बाइक है लगभग लगा लो वही एक साल पुरानी होने वाली ऑलमोस्ट हो गई है. सो दिस बाइक इज 2018 मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड एंड की बाइक है. ब्लैक कलर है पर लुक देखो ओवरऑल बाइक की सच मतलब मजेदार ब्लैक कलर तो भाई दिखने में लग रहा है बहुत सारा सामान लग रखा है. ज़्यादा सामान नहीं लगा हुआ है सामान इसमें थोड़ा बहुत ही लगा हुआ है. अब अगर सामान की बात करें अर्जुन ने बात छेड़ दी है तो द फर्स्ट थिंग इज योर हार्ली डेविडसन का ओरिजिनल लेग गार्ड ये काफ़ी महंगा आता है. जो शॉकर्स हैं वो आफ्टर मार्केट हैं बाइक नहीं नहीं ये शॉकर्स जो हैं ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही मिलते हैं. जैसे रेड एक्सेंट्स जो हैं ये शॉकर्स के अंदर यही चीज़ अच्छी लगती है जो थोड़ी यूनिक बनाती है स्ट्रीट रॉड को स्ट्रीट 750 से. बेसिक डिफरेंस जो स्ट्रीट रॉड और स्ट्रीट 750 के अंदर है वो सबसे मेन जो है दैट इज योर फ्रंट डिस्क ब्रेक्स. इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं इधर भी हैं उधर भी हैं एंड ABS कम्स इन स्टैंडर्ड इन स्ट्रीट रॉड. तो जो ब्रेकिंग का इशू स्ट्रीट 750 में था वो इसके अंदर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. और ओवरऑल इसकी जो लुक है वो थोड़ी और यंगस्टर ओरिएंटेड कह लो जवान लड़कों के लिए जवान के लिए बन गई है थोड़ी सी अग्रेसिव है स्कूटी है मज़ेदार लगती है. ऑल दो हार्ले अंकलों वाली नहीं रहती है डोंट माइंड अंकल. ये जो बाइक है दोस्तों दिस इज ओनली 2000 किलोमीटर्स ड्रिवन लेग गार्ड लगा हुआ है हार्ली का स्क्रीमिंग ईगल का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है. ये जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल ओरिजिनल बाय स्क्रीमिंग ईगल. आवाज़ इसकी क्या ही सुनाऊंगा बहुत कम आवाज़ है बैबल्स भी लगे हुए हैं. उसके अलावा द बाइक इज बोन स्टॉक. उसके अलावा इसमें कोई सामान नहीं लगा हुआ है. दिस इज़ ऑल क्लीन स्क्रैचलेस कंडीशन एकदम मक्खन मलाई. देखो इस बाइक कितनी मस्त लग रही है यार शीशा है बिल्कुल. ये देखो शक्ल भी दिख रही है जो मैं भी देख रहा हूँ. बाकी 2300 किलोमीटर चली हुई है स्टॉक बाइक है सीमेल की आवाज़ नहीं है आप तो इसकी आवाज़ सुना दें. Thank you.
राइजिंग की बात कर ये उत्तराखंड रजिस्टर्ड है UK 07, दैट मीन्स देहरादून पड़ता है, देहरादून रजिस्टर्ड बाइक है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस, नई बाइक का प्राइस की अगर बात करूँ तो लगभग 7 लाख रुपये के आसपास की पड़ती है, 7-7.5 लाख रुपये की एक्सक्लूडिंग दी एक्सेसरीज। आपको ये बाइक मेरे पास मिल जाएगी और 5,20,000, 5,20,000 रुपये की, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। प्राइजेज आर ऑल नेगोशिएबल इन दिस वीडियो। तो सीट दिखा दिए, चलते हैं आगे वीडियो चलते हैं। सो गाइस, आयरन 83 के बाद वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बाइक्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय हार्ली इज योर नेक्स्ट 48। 1200 सीसी के अंदर आती है हार्ली डेविडसन 48, और वो जो बाइक है वो आपके सामने खड़ी हुई है। और गाइस, इसकी कंडीशन की बात अगर करेंगे भैया, चलो ये देखो इसकी यार नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स है। नया वाला मॉडल है 48 का, बहुत ही मज़ेदार बाइक है। थोड़ी सी गंदी है अभी, डोंट माइंड, क्योंकि मैं पर्सनली 48 का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। ऑल्दो मैं क्रूजर्स नहीं चलाता हूँ, मेरे को क्रूजर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब बात आ जाए 48 की तो मुझे 48 बड़ी मज़ेदार लगती है। 48 मैंने पर्सनली बहुत चलाई है, और स्पेसिफिकली ये गाड़ी। सो अबाउट दिस बाइक, ये जो बाइक है दोस्तों ये बेसिकली है 2019 का मॉडल है, लेकिन हार्ली का करते हैं एक साल पहले ही, जैसे आप 18 दिसंबर में या अक्टूबर के बाद से 19 मॉडल प्रोड्यूस होने लग जाती है। 2019 चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया है, तो 2020 का मॉडल अब आपको मिलने लग जाएगा हार्ली पे। सो ये जो बाइक है ये 2019 मॉडल है, बट मैन्युफैक्चरिंग 2018 है, और मार्च या अप्रैल नहीं मई की है। दिस बाइक इज ऑफ मई 2019। इसकी खास बात ये है कि ये चलिए सिर्फ 1700 किलोमीटर, ओनली 1700 का देख लीजिए, सॉरी 1900 चल गई है, सो 200 मैंने चला दी है, आई कैन नॉट जज ऑन दिस थिंग। 1900 किलोमीटर चली हुई है, प्रिस्टीन कंडीशन कहते हैं इसको, प्रिस्टीन। अब 1900 किलोमीटर क्या ही होता है, इट्स नथिंग। और एक्सेसरीज की बात करी जाए तो इसमें क्रशर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, दीज आर वेरी लाउड एग्जॉस्ट। आवाज़ इसकी आएगी तो लगा लो लगभग मैनसन आइस जैसी ही आएगी, मैं आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ इसकी। मोर ओवर साथ में आपको मिलती है रियर सीट एज वेल एज योर रियर फुट रेस्ट, ये चीज़ें आपको एक्सेसरी में साथ में मिलती हैं। 1900 किलोमीटर चली हुई 2019 का मॉडल गाड़ी, नई मेरे ख्याल से 13.5 लाख रुपये से ऊपर की पड़ती है। स्टॉक बाइक लगभग 75-80 हज़ार रुपये का इसमें सामान लगा हुआ है, सामान लाने के बाद वही लगा लो 14 लाख से ऊपर की बाइक आपको मिल रही है ओनली फॉर 9,90,000। 9,90,000 रुपये आपकी बाइक मिल जाएगी, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। प्राइस पहले बता दिए तो उसके बाद बनता है आवाज़ सुनाना, तो चलिए आपको आवाज़ सुनाता हूँ। गाइस, स्ट्रीट रॉड के बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है 883 सीरीज के अंदर, और 883 के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर आयरन 83। आयरन 83 मेरे पास 3-4 है मेरे पास, तो आपको एक बेसिक वन दिखाना चाहूँगा मैं। दिस इज योर आयरन 883, इसके अंदर ये लाइट्स जल रही हैं, ये पार्किंग लाइट्स हैं इसकी, LED लाइट्स लगी हुई हैं। सॉरी थोड़ा सा व्यू आपको डिस्टॉर्टेड दिख रहा होगा ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर, हरियाली दिख रही है, नेचर ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो बाइक है दोस्तों 2015 मैन्युफैक्चर है, और 16 रजिस्टर्ड है, 14,000 किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, कस्टम एग्जॉस्ट है, स्क्रीमिंग ईगल जैसी आवाज़ है, काफ़ी मीठी आवाज़ है। मोर ओवर एक्स्ट्रा पैलेट सीट लगी हुई है, आप सीट देख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सीट, टूरिंग सीट है, बहुत कम्फर्टेबल है। पीछे बैकरेस्ट भी लगा हुआ है, पीछे फुटरेस्ट भी लगे हुए हैं, आपको सीट भी मिल जाएगी रियर सीट। मोर ओवर इसके अंदर स्क्रीमिंग ईगल की इग्निशन कॉइल्स लगी हुई हैं, ये जो आप ऑरेंज ऑरेंज सा देख रहे हो, ये जो दोनों सिलेंडर्स में लगा हुआ है, दीज आर इग्निशन कॉइल्स। लेग गार्ड भी लगा हुआ है, LED हेडलाइट्स भी लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। 14,000 चली है, डेली नंबर है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम रखा हुआ है दोस्तों, दैट इज 5,40,000, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल ऑन द टेबल। सो गाइस, द नेक्स्ट बाइक विच कम्स इन हार्ली डेविडसन के अंदर इससे ऊपर कैटेगरी 1200 के बाद जो आती है, दैट इज योर स्ट्रीट बॉब। 1600 सीसी की सेगमेंट में आती है ये। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कह लो कि कंफर्टेबल और टूरिंग स्पेसिफिक, आप लंबे टूर पे जाना चाहते हो कहीं लॉन्ग। अब IBW आने वाला है दिसंबर के अंदर, IBW इंडियन बाइक वीक के अंदर गोवा में है, अब दिल्ली से गोवा जाना है, दिस इज द मशीन आप जा रहे हो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा एंड आई रिग्रेट इट,
बट मन करा तो भाग जाऊंगा ये लेके और ये उससे पहले भाग गई तो मतलब आपकी है ये जो बाइक है गाइस, दिस इज 2014 मैन्युफैक्चर एंड 14 रजिस्टर्ड, डेली रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर मशीन है। पहली बात, जो मेन बात वो है इसका कलर। यार कलर इसका मैं क्या बताऊँ, कैसा लग रहा है आप लोग, आप खुद बता दो। इसको कलर को बोलते हैं चारकोल पर्ल, मतलब इतना फाइन कलर, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं क्या बताऊँ, इतना मस्त लग रहा है, जितना देखो उतना कम है। दिस इज चारकोल पर्ल कलर, बहुत ही मज़ेदार कलर है। और आफ्टर मार्केट अगर एक्सेसरीज की बात करूँ इस बाइक के बारे में, तो उसमें लगा हुआ है हार्ली डेविडसन का ही लेग गार्ड विद योर हाईवे पेग्स। अब ये चीज़ लोग पूछते हैं क्या है भैया ये क्यों लगा होता है, आप जब पैर यहाँ रखते हो यूजुअली, अब आप चला रहे हो बाइक, अब नीचे पैर रखे हुए हैं तो नेक्स्ट थक जाता है बंदा, लंबे लंबे IBW जा रहे हो तो गुजरात के बाद आप थक जाओगे बाइक चला चला के। सो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से पैर को अपने यहाँ पे रख सकते हो, दीज आर नोन एज हाईवे पेग्स, अपनी लातें सीधी कर सकते हो सो दैट यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड क्रैम्प्स ना पड़े आपको। ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है हाईवे पेग्स होने का, यू कैन स्ट्रेच आउट योर लेग्स व्हाइल राइडिंग द बाइक व्हाइल कंटिन्यू योर राइड, तो इसके अंदर ये फ़ायदा है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर लगा हुआ है स्क्रीमिंग ईगल का एयर फिल्टर, सो दिस इज बाय स्क्रीमिंग ईगल। हैवी ब्रीदर का थोड़ा डिफरेंट सा लुक होता है, जैसे पाइप सा होता है बाहर कोनिकल का, ये डिफरेंट है। सुबह स्क्रीमिंग ईगल, ये भी लाइफ टाइम एयर फिल्टर है, यू डोंट हैव टू रिप्लेस इट एनी वे एनी टाइम। और मेन चीज़ है इस बाइक के अंदर लगे हैं वैन से नाइन्स के एग्जॉस्ट, सो दिस एग्जॉस्ट पाइप्स व्हिच आर लुकिंग दीज आर ओरिजिनल एग्जॉस्ट बाय वैन्स एंड हाइंस। बहुत ही मज़ेदार आवाज़ है इसकी, आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा और एक्सेसरीज में। उसके बाद इसमें लगा हुआ है रियर सीट, रियर फुट पेग्स एंड योर बैकरेस्ट, दिस इज एवरीथिंग डन बाय हार्ली डेविडसन इटसेल्फ, सब कुछ हार्ली से हुआ हुआ है। और स्ट्रीट बॉब्स, या अगर आप इससे ऊपर कोई भी डायना सीरीज में जाते हो, ये डायना इंजन है। अब डायना में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना जाना चाहूँगा, डायना इंजन की जो फील है, जो मज़ेदार है, जो मज़ा है, एट इज नेक्स्ट लेवल, सिंपली नेक्स्ट लेवल। अब इसको स्टार्ट करने का एक तरीका है, मैं आपको दिखाऊंगा, अर्जुन के पास है कुछ नेक्स्ट लेवल सी चीज़। इसकी चाबी बड़ी यूनिक सी है, सो दिस इज़ द की। अब ये जो चाबी है, ये जो चाबी लगती है कहीं नहीं लगती है वैसे, अगर कहने को करें तो स्टार्ट करने के लिए यूज़ नहीं होती है। बट ये जो मेन चीज़ है, दिस इज़ द फॉब, ये फॉब एक कीलेस एंट्री फॉब है, यू जस्ट हैव टू कीप दिस फॉब इन योर पॉकेट एंड यू आर गुड टू गो एनीवेयर। अब ये जो चाबी है ये लगती है आपका हैंडल लॉक करने के लिए, और ये जो बीच में आप देख रहे हो नॉब, ये नॉब के अंदर ये बीच में लॉक दिया हुआ है इसको लॉक करने के लिए, जिससे आपका ये नॉब जो है ये लॉक जाएगा, ये नहीं घूमेगा। ओके, सो ये यहाँ लगती है चाबी, अभी नॉब खोल दिया है, इसको इग्निशन पे करेंगे, बाइक बोली टिक, मतलब अब नाउ इट्स रेडी टू स्टार्ट। 17,000 किलोमीटर चली हुई है कम्प्लीट सर्विस रिपोर्ट के साथ, वैन से नाइन से एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। कमेंट्स करके जरूर बताना, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है दैट इज 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपये इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ अगेन फॉर द नेगोशिएबल ऑन द टेबल। उसके अलावा भी दोस्तों इसमें एक्सेसरी बहुत सारी लगी हुई है, एक मेन बात जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को वो है इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। दीज अलॉय व्हील्स आर फ्रॉम हार्ली डेविडसन अगेन। स्पीड बॉब के अंदर गाइस अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, इसके अंदर स्पोक वाले रिम्स आते हैं, नए मॉडल में शायद हो सकता है आ रहे हो, बट इसके अंदर स्पोक्स आते हैं। दीज आर अलॉय व्हील्स फ्रॉम हार्ली डेविडसन इटसेल्फ, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग द लुक ऑफ द बाइक, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सब सामान लगा हुआ है इस बाइक के अंदर, फुली लोडेड है, ओनली फॉर 7.5 लाख्स, विच इज अगेन नेगोशिएबल। सो गाइस अब बात करते हैं मोटे बच्चे फैट बॉय। तो इस वीडियो के अंदर जो लास्ट बाइक होने वाली है गाइस, दैट इज गोना बी योर हार्ली डेविडसन फैट बॉय, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कह लो या सबसे ज्यादा सुर्खियों में आने वाली बाइक, सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग हार्ली की तरफ से जो है वो है फैट बॉय। और बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स भी हैं, बचपन में जब रेसलिंग थे तो अंडरटेकर भी चलाता था सेम बाइक फैट बॉय चलाता था, या भगवान जानता कौन चलाता था, आनंद स्वामीनाथन ने भी चलाई टर्मिनेटर में, तो दिस इज द सेम बाइक।
Harley Davidson Fat Boy. So ये जो bike है दोस्तों, this is 2016 manufactured and 17 registered और उत्तराखंड registration है, देहरादून का registration है. भाई bike की ओवरऑल look देखो कितनी मस्त लग रही है, मजेदार लग रही है. Guys chrome देखो कैसे चमक रहा है. Chrome देखना तो यहाँ से आके दिखाओ एक बार. All those exhaust pipes and this air filter box, this thing looks so magnificent. गाइस एक क्रोम देखो जरा एक बार. सो दिस इज द वंडरफुल हार्ली डेविडसन 48, 16 मैन्युफैक्चर्ड एंड 17 रजिस्टर्ड. बहुत ही मजेदार बाइक है और इसकी खास बात अगेन फिर से जो मेरी स्पेशलिटी है इस वीडियो के अंदर वो है ये बाइक चली है 2900 किलोमीटर ओनली, 2974, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर चल चुकी है और सिर्फ 3000 ही चली हुई है. आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में कुछ खास नहीं लगा हुआ इस बाइक के अंदर, आपको लेग गार्ड्स मिल जाते हैं, उसके अलावा तो बाइक की स्टॉक एज सच कुछ नहीं है. ये एग्जॉस्ट भी स्टॉक है. एग्जॉस्ट भी स्टॉक है. ओके, चलान ज़्यादा कट रहे हैं डेली में, इसलिए स्टॉक एग्जॉस्ट भी होना ज़रूरी है. तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ. उसकी स्टार्टिंग सीक्वेंस भी वही सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज द फॉब, जस्ट लाइक स्ट्रीट बॉब. बस इस फॉब को आपने पॉकेट में रखना है, हल्की बटन पॉकेट देख लो एंड वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे. इसकी आवाज़ सुनना चाहते हो वीडियो आएगी गाइस. अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एक स्पेशल वीडियो, तो ड्रॉप इन अ कमेंट्स इसकी आवाज तो. और दिस ब्यूटी गाइस. प्राइस की बात कर ली भाजी? प्राइस की बात कर, चलो वीडियो आएगी ना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा. अगर आपको उसका प्राइस जानना है तो नीचे कमेंट्स करो, आई विल पर्सनली रिप्लाई बैक विद द प्राइस. और आवाज तो फिर वेट करना ही पड़ेगा थोड़ा, कमेंट में ही आवाज भी कमेंट्स नहीं सही है. चलो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये थी लास्ट बाइक हमारी हार्ली डेविडसन का मोटा बच्चा, मेरे जैसा एकदम हार्ली डेविडसन फैट बॉय. सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच. सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, सारी हार्लीज बाइक को लेके हमने कम से कम 4-5 हार्लीज दिखाई आपको, अच्छे से डिटेल्स बताई, हर चीज़ बताई. क्योंकि यार भैया के साथ जब वीडियो बता देते तो डिटेल्स का तो भंडार है. अभी भी इस बाइक के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बट वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि भैया भी चाहे तो इंजन में भी घुस सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो ये छोटी सी नॉलेज है जो आपसे शेयर करता रहता हूँ मैं. और दिस वॉज ऑल अबाउट हार्ली, सो पार्ट टू मैंने बनाया था. पार्ट थ्री के अंदर कुछ ही आपको साइड में दिख रहा होगा, कुछ बाहर आपको दिख रहा होगा, बड़ी सारी बाइक्स हैं, बहुत कुछ है. तो आज वैसे ही शाम हो गई है, सो वी शूट पार्ट थ्री मे बी लेटर टुमारो डे आफ्टर. सिर्फ आप लोगों के पीछे, अगर आप लोग चाहते हो और भी स्टॉक देखना, अगर झलकियाँ देखना चाहोगे तो थोड़ा सा अर्जुन अगर घूमेगा तो आपको एक ये जो शिवम जिसमें बैठा था अभी येल्लो कलर की आपको येल्लो आगे खड़ी हुई है, आपको अगर कम लग रहा हो तो पीछे भी एक दुकान खुल चुकी है, तो वहाँ पे भी कम से कम 10-12 बाइक्स खड़ी है. गोडाउन में 4-5 पड़ी है. 650 भी है जो मैं आपको पहले ही अपने पार्ट 1 में निंजा वाले कावासाकी में दिखाना भूल गया. ये मेरे पास निंजा 650 भी खड़ी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बाइक्स हैं. तो ऐसी बाइक्स देते रहो और अभी तक इस वीडियो में इतना आगे आ गए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले नीचे जाके भाई के चैनल को मिस्ट्री बॉय ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो. अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको भी जाके जरूर देखो. उसके अलावा कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, पिक्चर्स देखना चाहते हो या एनीथिंग, आपको कुछ भी चाहिए, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है सुपर बाइक्स फॉर सरस्वती मोटर्स के नाम से. मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल देगा आप वहाँ जाके देख सकते हो. सारे प्राइजेस, फोटोज, पिक्चर्स, डिटेल्स सब कुछ रहता है वहाँ पे. कुछ भी आपको स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन गेट अस अ मैसेज, डीएम कर सकते हो फेसबुक पे भी. और बाकी सब जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा गाइस, वो इंस्टाग्राम सेकंड होता है पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा. बिल्कुल, ट्राई माय बेस्ट ऑक्यूपाइड रहता हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस ओनली. इतना प्यार करते हो, इतने सारे फोन मैसेज आते हैं, वक्त बनता है सबको रिप्लाई करने का, तो मैं थोड़ा सा कभी कभार बिजी हो जाता हूँ. So that's all for today guys, thank you so much, keep loving me, keep supporting me, ऐसे प्यार करते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो. और सबसे मेन बात, नीचे कमेंट्स करना मत भूलना, ढेर सारे कमेंट्स करना, कौन सी अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, क्या नेक्स्ट देखना चाहते हो या क्या मेरे बारे में क्या नया देखना चाहते हो, सब कुछ बताना, जरूर बताना. एंड नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी बताना. थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बिल्कुल जी, टिल देन जसवीर सिंह फ्रॉम सुपरबाइक्स फॉर सरस्वती मोटर्स अलोंग विद मिस्ट्री बॉय.
from YouTube. YouTube. Then stay bye tuned. Bye. Bye-bye. See you.